हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेलाटोनिन के बारे में। पिछले वीडियो में जो है हमने सेरोटोनिन के बारे में पढ़ा था कि उसकी सिग्निफिकेंस और सिंथेसिस जो है क्या होती है, और इस वीडियो में हम जो है वो मेलाटोनिन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके जो नोट्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए एंड इसे लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो मेलाटोनिन है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा, दोनों से ही। एनिमल्स जो है वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स जो है वो भी इस हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं इनमें जो है पीनियल, जो हमारी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, एक पीनियल नाम की ग्लैंड होती है, उसमें प्रोड्यूस होता है एनिमल्स के अंदर। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो इसे एज ए डिफेंस की तरह, फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह जो है यूज करते हैं अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे प्लांट्स में कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसके डिफेंस के लिए जो है वो लोग मेलाटोनिन हार्मोन को जो है यूज करते हैं प्लांट्स। इसके बाद में जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एन एसिटाइल फाइव मिथॉक्सी ट्रिप्टामाइन, इस नाम से भी जो है बोलते हैं। और ये जो है वो रेगुलेट करता है स्लीप और वेकफुलनेस, जैसे कौन जो है कब सोता है कब उठता है, तो उस चीज को भी जो है ये रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो अब जो है हम इसके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अब जो है सिंथेसिस इसका कैसे होता है, तो मेलाटोनिन जो है वो भी जो है ट्रिप्टोफैन से ही बनता है। जैसे हमने सेरोटोनिन में पढ़ा था वैसे ही मेलाटोनिन जो है वो बनता है ट्रिप्टोफैन से। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन जो है ये जो ट्रिप्टोफैन होता है इसका हम हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 5 कार्बन पे जो है लग जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5 कार्बन पे अब लग जाएगा। और इसका नाम हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो COOH है इसमें से CO2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो इसको कैटालाइज करती है। अब जो है वो इसमें से जब CO2 निकलेगा बाहर तो इसमें जो है सिर्फ NH2 ग्रुप रह जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, क्योंकि यहाँ पे अब अमाइन ग्रुप जो है वो लास्ट में लग गया है। और इसको हम सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो है सेरोटोनिन का सिंथेसिस किया था। अब इसके बाद में जो है क्या स्टेप होती है, यहाँ पे जो है वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो एक जुड़ जाता है। और इसमें जो एंजाइम एक्ट करती है वो होती है सेरोटोनिन एंड एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वहां पे एसिटाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो अब इसका जो है नाम हो जाएगा, सो ये जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ से एक H जो है हट जाएगा और यहाँ पे एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो लग जाएगा COCH3 का। तो अब इसका जो है नाम हो जाएगा N एसिटाइल सेरोटोनिन। तो अब जो है फाइनल स्टेप में क्या होता है, N एसिटाइल सेरोटोनिन बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पे जो O है उससे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप हम जोड़ देंगे और उसमें एंजाइम जो वर्क करती है वो होती है, तो
इसमें जो है वो एंजाइम जो वर्क करती है वो होती है एसिटाइल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब ये ऑक्सीजन ग्रुप है उसका ओ और मिथाइल जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम जो है इस एंजाइम का नाम इसलिए बोलते हैं। तो अब ये जो है फाइनल स्टेप में क्या बनाएगा? अभी ये जो है वो मेलाटोनिन फाइनली बन जाता है। तो सबसे पहले हम जो है हमने बनाने के लिए क्या किया, ट्रिप्टोफैन जो है इसकी हमने सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कराई। इसमें हमने जो 5 कार्बन जो है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड किया था ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में जो है हमने क्या किया, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाई फर्दर। इसमें से CO2 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और फिर बन जाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। इसके बाद में क्या होता है, इसमें जो है वो एसिटाइल ग्रुप जो है हम ऐड करते हैं यहाँ पे N से नाइट्रोजन ग्रुप से। तो उसके बाद हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है वो लग जाता है और इसमें एंजाइम जो वर्क करती है वो होती है सेरोटोनिन N एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसके बाद में N एसिटाइल सेरोटोनिन जो है वो बन जाता है। अब इसके बाद में हम फर्दर क्या करते हैं, मिथाइलेशन करेंगे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ से हम मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्दर जब ऐड कर देंगे मिथाइल ग्रुप को तो फाइनली मेलाटोनिन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। सो गाइस ये थी इसकी सिंथेसिस। अब जो है हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस अब हम जो है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन के। तो सबसे पहले जो मेलाटोनिन होता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड जो होती है वहां से रिलीज होता है और ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर होती है और ये जो है वो उस टाइम पे जो है रिलीज होता है जब डे नाइट साइकिल का डार्क पोर्शन जो है होता है, मतलब हमेशा रात में जो है ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से डार्क पोर्शन होता है जो कि उसके बाद में है कि ये एक पोटेंट एंडोजेनस फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मतलब घातक, मतलब खा जाना होता है, कि ये जो है हमारे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एंडोजेनस उसमें से जो फ्री रेडिकल होते हैं उनको जो है ये स्कैवेंजर की तरह काम करता है और उनका जो है वो हटाता है वहां से। उसके बाद में है कि इसके जो है हाइपोथर्मिक और हाइपोटेंसिव इफेक्ट्स होते हैं। हाइपोथर्मिक मतलब टेम्परेचर जो होता है हमारी बॉडी का उसको कूल रखने का काम जो है करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन, और हाइपोटेंसिव इफेक्ट्स होते हैं मतलब रिलैक्स करता है ये हमारी बॉडी को जितना हो सकता है, तो इसलिए जो है इसके ये इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में है कि ये प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देता है, साइटोकाइंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका भी जो है प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद में है कि इसका रेगुलेशन जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसके रेगुलेशन में भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें जो मेलाटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं उसके द्वारा ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। उसके बाद में है कि ये जो है इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कई लोगों को जो है नींद नहीं आती है रात को कई बार, तो उन लोगों को जो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये जो है वो ठीक करने में अच्छा काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और ये जो है वो इंड्यूस करता है स्लीप को। उसके बाद में ये जो है वो एंटी कैंसर की तरह भी काम करता है कि कैंसर जो है हमारी बॉडी में नहीं होने देता है। उसके बाद में एंटी एजिंग के लिए भी अच्छा होता है, जैसे एजिंग जो है वो हमारी बॉडी की ज्यादा नहीं होती है इस हार्मोन की वजह से। इसके बाद में इसकी एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी भी होती है, ये मूड को जो है वो अच्छा रिलैक्स रखता है। सो गाइस ये थी इसके पूरे सिग्निफिकेंस मेलाटोनिन हार्मोन के, और इसके आज हमने सिंथेसिस भी पढ़ी, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड